सारी खबरें सीधे जयपुर स्टूडियो से राजस्थान लाइव में। नागौर के जीजवाना में सड़क पर पसरा काल, निजी बस और सवारी जीप में हुई भिड़ंत में 7 की मौत, करीब एक दर्जन से ज्यादा घायल, 8 गंभीर घायलों को किया जयपुर रेफर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध अतिक्रमण मामले में सरकार और मुख्य सचिव को लगाई फटकार, सीएस को दिए व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश, कहा क्यों न अवमानना में हो कार्रवाई। भीलवाड़ा में धर्मस्थल बेचान मामले में राजनीतिक गहमा गहमी जारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी घटनास्थल का किया दौरा, फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बीकानेर स्थापना दिवस पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित, शहर की प्रतिभाओं का किया गया सम्मान, एचबीसी न्यूज के कार्यों की भी हुई सराहना। और घरेलू मैदान पर चैलेंजर्स की चुनौती से पार पाना चाहेंगे रॉयल्स के रणबांकुरे, पिछले मैच की जीत और घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा रॉयल्स को, दोनों ही टीमों ने किए जीत के दावे। नमस्कार, राजस्थान लाइव में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं दीपक मेड़तवाल। खबर नागौर के डीडवाना कस्बे से, जहां हुए एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर रूप से 8 घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित दौलतपुरा तिराहे पर सूरत से सीकर जा रही एक निजी बस और क्रूजर जीप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 घायलों ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा गंभीर घायलों को स्थानीय बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 9 की स्थिति नाजुक होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया। वहां रास्ते में एक और घायल ने दम तोड़ दिया। घटना के प्रभावित सभी एक ही परिवार के थे और अजमेर दरगाह में जियारत के लिए जा रहे थे। मृतकों में 6 सीकर और 1 लाडनू का निवासी था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही विधायक रूपाराम डूडी भी मौके पर पहुंचे और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डीडवाना से संवाददाता हनुमान तंवर। हनुमान, किस तरह से हुआ था यह हादसा? जी दीपक, की दौलतपुरा तिराहे की घटना थी, जहाँ मेगा हाईवे और सीकर से आने वाली रोड क्रॉस होती है जी। तो ये तिराहे होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे सुबह सुबह ही अजमेर जियारत के लिए जा रही जीप बस से गिर गई थी। घटनास्थल पे 4 लोगों की मौत हो गई थी और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, एक बाद में जयपुर रेफर होते हुए रस्ते में हो गई और 1 की मौत जयपुर में इलाज के दौरान हो गई। कुल 8 मौतें इस हादसे के बाद हो चुकी है। हनुमान, अगर बात करें क्या समय रहते इन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं उस वक्त मिल पाई थी? हेलो हनुमान, समय रहते घायलों को क्या चिकित्सा सुविधा मिल पाई थी? जी जी पटेल, समय रहते घायलों को चिकित्सा सुविधा मिल गई थी। यहाँ से 108 तुरंत पहुंच गई थी और घायलों को तुरंत यहाँ डीडवाना पहुंचा दिया गया था, लेकिन दुर्घटना इतनी भीषण थी कि इसमें कुछ भी बचने की कोई चांस नहीं था, गाड़ी के सखत से उड़ गए थे जी। अगर बात करें ये जो परिवार था जिसके इस दुर्घटना में, किस जगह के रहने वाले थे लोग? ये सभी लक्ष्मणगढ़ तहसील के मंगलूना गांव के रहने वाले थे। धन्यवाद। के बाद में यहाँ आक्रोशित ग्रामीणों ने दौलतपुरा में जाम भी लगा दिया था, जो लक्ष्मणगढ़ विधायक के आके आने के बाद में संजायत के बाद में खुला था। तो उन्होंने जो जाम लगाया, क्या कारण था जाम के पीछे? जाम के पीछे दीपक उनका कहना था कि मृतकों को 5-5 लाख रुपए सहायता दी जाए,
जी धन्यवाद हनुमान तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता हनुमान ने बताया कि किस तरीके से ये हादसा उस वक्त पर हुआ था और उस हादसे में अभी तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से संवाददाता रमेश। रमेश, जब इस हादसे की खबर सीकर पहुंची, किस तरीके का माहौल हुआ वहां पर? जी दीपक, मैं आपको बताता हूं कि अभी मेरे पास जो ताजा अपडेट आया है उनमें मरने वालों की संख्या 8 हो गई है और जिनमें 2 लोगों की मौत जयपुर के SMS में भी और हुई है जी। और अभी मौके पे जिला कलेक्टर सीकर, SP सीकर है और मृतकों को तुरंत प्रवास से 20,000 रुपए, मृतकों को जिला प्रशासन की ओर से, घायलों को 5,000 रुपए की मुआवजा दिया गया है। और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा गांव में है और गांव में एक साथ 7 मौतों के बाद में एक मातम साथ आ गया है। हर एक ही परिवार के लोग मरने वाले हैं, पूरा गांव पूरी तरीके से मातम के साए में है। धन्यवाद रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो खबर इस तरीके से है कि एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत की खबर जब आती है तो पूरे गांव में मातम छा जाता है। रासन हाईकोर्ट ने रामगढ़ बांध संबंधी मामले की डबल बेंच से सुनवाई की अर्जी लगाने वाली सरकार को आज सुबह तगड़ी फटकार लगाई। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सवाल दागा कि क्यों न सरकार की इस अर्जी को अवमानना मान लिया जाए। अदालत ने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। अदालत का आदेश मिलते ही सीके मैथ्यू अदालत पहुंचे। गौरतलब है कि स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रामगढ़ बांध जलभराव और आवक मार्ग से सभी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। अदालती आदेश की पालना के संबंध में अदालत ने 2 बार आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ IAS अधिकारियों को तलब भी किया था। करीब 1 साल से मामले में एकल पीठ में सुनवाई चल रही है। अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर मामले की सुनवाई खंडपीठ में करने की गुहार की थी। हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र और जलावक के मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इस पर जिला प्रशासन ने रामगढ़ बांध से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान भी चलाया। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटने पर अदालत ने प्रदेश के प्रमुख शासन सचिव स्तर के वरिष्ठ IAS अधिकारियों को अदालत में तलब किया था। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से संवाददाता राकेश मिश्रा। राकेश, हाईकोर्ट की फटकार के बाद सीके मैथ्यू पहुंचते हैं हाईकोर्ट, क्या राज दिन भर? रामगढ़ बांध मामले में आज राजस्थान सरकार ने चीफ जस्टिस मनीष भंडारी की बेंच पे प्रार्थना पेश किया थी जी। जो ये मामला है, ये जस्टिस मामला है, इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाए और इसकी सुनवाई वहाँ चीफ जस्टिस के की जाए। इसे लेकर हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी रखी और चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर को काफी खरी खोटी सुनाई और अवमानना मानते हुए उन्होंने CS को तलब किया। जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको 11 बजे बुलाया गया और उनको बहुत इस मामले में खरी खोटी सुनाई गई। जी दीपक, क्या लगता है उसके बाद क्या रेस्पॉन्स रहा, कोई अगर आपको पता चल पाई, कोई जानकारी मिल पाई हो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से? कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बार बार ये कहा कि आपने पिछली जो सुनवाई थी उसमें रामगढ़ बांध मामले में नए प्रपोजल बनाकर तैयार करने के लिए बोला था जो आज तक कोर्ट को पेश नहीं किए गए और आप चाहते हैं कि जयपुर की जनता को पानी नहीं मिले और आप राजनीतिक और भूमाफियाओं से संपर्क में है और इस मामले की सुनवाई आप चीफ जस्टिस के यहाँ कराना चाहते हैं। जी दीपक, राकेश, क्या लगता है अब क्या रुख रहने वाला है प्रशासन का जब हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके से फटकार लगती है, इसके बाद क्या रुख रह सकता है? नहीं, जो सरकार का रुख है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जिस बेंच से जो अपनी जो प्रार्थना पत्र पेश करके अपनी जो सुनवाई थी वो चीफ जस्टिस के यहाँ करा लिया है और अधिवक्ताओं का जो कहना था वो ये कहना था कि इन्होंने चला के सरकार ने इस बेंच से इस मुद्दे को अलग हटवाया है। धन्यवाद राकेश तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ अतिक्रमण मामले में आज हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को फटकार लगाई गई और जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया गया और कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि इसे एक तरीके से देखा जा सकता है, अदालत की अवमानना के रूप में भी देखा जा सकता है। राजस्थान लाइव में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए HBC न्यूज़।